छत्तीसगढ़ के महासमुंद में साइकिल पर रैली निकाल रहे लोगों को पुलिस ने अचानक रोक दिया, जिसके बाद वहां तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और महासमुंद के एसपी जितेंद्र शुक्ला के समझाने के बाद लोगों को वापस भेज दिया गया। दरअसल ये लोग मई 2018 में किशनपुर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में हुई पूरे परिवार की निर्मम हत्या की जाँच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। लोगों का कहना है कि पकड़े गए अपराधियों के अलावा कई और अपराधी भी थे जिनको पकड़ा नहीं गया है और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इसके लिए अभी हम लोग सीबीआई जांच हो का के आवेदन लगा दिए थे। अभी इसमें कल अचानक एसपी साहब हमको बुलाए कि नहीं इसको आप कैंसिल कर लीजिए और उसके बाद बोले कि हड़ताल बंद कर दो, वहाँ से आदेश नहीं मिला है, आप लोगों को परमिशन नहीं मिला है, आप लोग मत जाओ का के उसके बाद भी हमको जाना है करके हम लोग अपना शुरू किए, वहाँ से आते आते आ गए हैं यहाँ पर, मान लीजिए रोके, अब उनका काम है रोकना, वो रोक दिए, हमारा काम तो जाना, हम जबरदस्ती मान लो हम भी जाइए रहे। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि लोगों के पास रैली निकालने की परमिशन नहीं थी, जिसके कारण उन्हें रोक दिया गया है। और साथ ही पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। ऑल्दो की मतलब अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जिसकी सहमति हम में से कोई नहीं दे सकता है, बिना कोर्ट के परमिशन के कोई इंक्वायरी इसमें आगे नहीं हो सकती, उस पर वो सहमत भी हुए थे और उन्होंने बोला था कि रैली नहीं निकालेंगे, रैली करके नहीं जाएंगे, और उसी बेस पे फिर हमने उनको एक लेटर भी दिया था कि आपको रैली की परमिशन नहीं दी जा सकती। रैली की परमिशन ना देने के कई कारण थे, क्योंकि एक तो बहुत लंबा रूट था जो उन्होंने साइकिल के माध्यम से चुना था और नेशनल हाईवे के थ्रू जाने का। रायपुर में विधानसभा चल रही थी, रायपुर में कृषि मेला चल रहा था, जिसके कारण वहाँ से ऑलरेडी एआईपी बंदोबस्त था, तो ऐसे ही परमिशन देना सुरक्षा के लिहाज से संभव नहीं था। लेकिन अब ये देखना होगा कि लोगों के इस प्रयास के बाद प्रशासन उनकी मांगों को कब तक पूरा करने की कोशिश करता है। न्यूज़ डेस्क।